हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, माई सेल्फ मुकेश परमार एंड यू आर वॉचिंग प्रतिष्ठा पब्लिक स्कूल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम प्रेजेंट विथ सेंटेंस प्रैक्टिस यूजिंग कैन गुड। सो लेट मी स्टार्ट अवर डिस्कशन विथ फर्स्ट सेंटेंस। ओके दिस इज ओके, इसे ऐसा समझे फर्स्ट थिंग दैट कि दिस इज कन्वर्सेशन एंड प्रैक्टिस सेशन। ये एक तरह का प्रैक्टिस सेशन है आपके लिए कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और आपको मुझे आंसर देना है। ओके एम आई मेकिंग questions for you and you have to reply instead of questions. Okay? So now first question for you. Could you read का मतलब होता है क्या आप पढ़ सकते थे English newspaper earlier means पहले। Okay यहाँ पर space थोड़ा कम है तो यहाँ पर earlier. Okay? Can you read English newspaper earlier? क्या आप पहले English newspaper पढ़ सकते थे? Okay? अब आपको इसका answer देना है तो आप इनिशियल स्टेज में आंसर दें यस या नो। यस आई कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर और नो आई कुड नॉट रीड। ओके या यस आई कुड, या तो यस में दें या नो में दें। और इन सब के बाद अपना आंसर कुछ एक्सक्लूसिव बनाएं। ओके मेक योर आंसर वेरी एक्सक्लूसिव एंड इन्फ्लुएंसिंग। ओके ग्लोरियस, ताकि सुनने वाला द पर्सन हु इज लिसनिंग यू, जो व्यक्ति तुम्हें सुन रहा है, ओके द पर्सन, उस पर्सन को आप क्या कर सके, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सके। यू कुड इन्फ्लुएंस द पर्सन हु इज लिसनिंग यू। ओके सो नाउ आंसर को कैसे बनाना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कुड यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर अर्लियर। ओके सो सर आर यू जोकिंग, वी ज्वाइन इंग्लिश ओके इंग्लिश क्लास Only few 4-5 days ago and you are asking this question कि सर वी could we read English newspaper, तो आर यू जोकिंग सर, आप मजाक कर रहे हैं क्या, हम इंग्लिश अभी इंग्लिश ज्वाइन की है। ओके सर ओनली वी कैन रीड इंग्लिश प्रॉपरली बट ओके वी डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बट द टाइम ओके यू स्टार्ट टीचिंग या यू स्टार्टेड टीचिंग अस इंग्लिश नाउ ओके स्लोली एंड ग्रेजुअली वी ओके स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाउ डेज वी आर प्रैक्टिसिंग ओवर द सेंटेंसेज ओवर द क्वेश्चन एंड वी ट्राई टू स्पीक ओके इंग्लिश सेंटेंसेज इफ यू मेक क्वेश्चन टू अस। इस तरह से आप बोल सकते, बहुत सिंपल में बोले, इतना टफ में जहीं जाए ओके टफ में तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हमारा इंग्लिश की वोकैब का सेशन आगे बढ़ेगा तब हम उसकी तरफ जाएंगे हर तरह के। और इजीली जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में गेट का यूज़ पढ़ा दिया, अब गेट का यूज़ जनरली थोड़ा सा हटके होता है तो पढ़ा दिया, अब उसको उसके बाद अभी लेट के यूजेस आएंगे ओके फिर सेंटेंस की पैसिव केस आएगी है ना, तो फिर इन्फिनेटिव नॉन इन्फिनेट पार्टिसिपल जीरंड सब आएंगे धीरे धीरे। तो पर पूरी इंग्लिश आपको कंप्लीट इंग्लिश इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। ओके बस आपको करना क्या है कि रेगुलर आपको इन वीडियोस को या रेगुलर क्लास को अटेंड करना है। इफ़ यू अटेंड माय क्लास रेगुलर देन यू विल सी कि इंग्लिश इज सो इजी, ओनली वी वर फूल्स, हम ही पागल थे ओके वी वर मेड, हम ही पागल थे ओके हु टुक टू मच टाइम, ओके जिन्होंने इतना टाइम लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फेस द इंटरव्यू, क्या आप इंटरव्यू फेस कर सकते हो? सॉरी सर आई डिडंट फेस ओके एनी इंटरव्यू येट। ओके या सो हाउ कैन आई से दैट, कैसे बोल सकता हूँ कि आई कैन फेस इंटरव्यू, बट एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ अबाउट माई सेल्फ ओके मेरे बारे में, If anyone ask a question to me, that time my heartbeat get rose up, okay, goes very fast. So in case it would be too difficult for me to make questions or answers of the questions which someone is trying to ask me. Clear? तो इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो हमें कुछ नहीं, हमारा आंसर हमें एक लाइन में खत्म करना है या वर्ड में ही खत्म करना है। Yes, I can. No, I can't. Okay. Next. Can you do the domestic chores? Can you do? क्या आप कर सकते हो? The domestic chores.
घर के काम लाइक स्वीपिंग द फ्लोर्स, कुकिंग फूड, ओके वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा, सो मेनी टास्क ओके कम्स अंडर द डोमेस्टिक चोर्स। क्लियर? तो क्या आप कर सकते हो? यस, यूजुअली आई कैन डू द डोमेस्टिक चोर्स बिकॉज नाउ डेज आई एम लिविंग ओके इन अ रूम ऑन रेंट इन सिटी फॉर माई एजुकेशन, सो आई कैन कुक द फूड्स एवरी डे, आई हैव टू स्वीप द रूम ऑन माई ओन एंड आई हैव टू वॉश माई क्लोथ ऑन माई सेल्फ, ओके आई टेक बाथ एंड ऑल्सो एवरी थिंग ओके विच कम्स अंडर डोमेस्टिक चोर्स नाउ डेज एज अ रेंट गाइज ओके आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ इजिली। नाउ नेक्स्ट, कैन यू फॉरगिव योर फ्रेंड्स मिस्टेक्स? क्या आप आपके गलत दोस्तों, कैन यू फॉरगिव, क्या आप माफ कर सकते हैं? फॉरगिव मीन्स होता है माफ करना, ओके माफ करना, और डोमेस्टिक का मतलब होता है घर के काम, घर के चोर्स काम, घर के काम। फेस का मतलब होता है सामना करना, सामना करना। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फॉरगिव योर फ्रेंड्स मिस्टेक? क्या आप आपके दोस्त की, तो क्या बोलेंगे? सर फ्रेंड्स आर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, दोस्त तो होते ही गलती करने के लिए है, तो हाउ ओके हु एम आई, कौन हूं मैं, मैं कौन हूं? आई विल ऑलवेज ओके फॉरगिव हिम, मैं हमेशा उसे माफ करूंगा। ओके इफ ही मेक्स लॉट्स ऑफ मिस्टेक, यस आई कैन फॉरगिव बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई बोजम फ्रेंड। ओके वी ग्रो टूगेदर, ओके वी आर ग्रोन टूगेदर, हम साथ ही बड़े हुए हैं। ओके एंड ऑल्सो वी गेट वी गोट अवर स्टडी इन स्कूल एंड इन कॉलेज एवरीवेयर, ओके वी वेंट टूगेदर, सो इफ ही मेक मिस्टेक्स आई कैन फॉरगिव, यस आई कैन फॉरगिव। ओके नाउ कैन यू अपोलोजाइज टू एनीथिंग फॉर मिस्टेक्स? कैन यू अपोलोजाइज, क्या आप माफी मांग सकते हैं? अपोलोजाइज मीन्स होता है माफी मांगना, माफी मांगना। ओके क्या आप माफी मांग सकते हैं एनीथिंग, किसी भी चीज, एनीबडी, किसी से भी, फॉर मिस्टेक्स, गलतियों के लिए? ओके जनरली डजेंट हैपन कि आई ऑलवेज ओके अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स, यस बट समटाइम्स इफ द मिस्टेक्स आर बिगर एंड ग्रेटर ओके विच कम्स अंडर माई अंडर मी ओके एंड इफ द प्रॉब्लम्स आर दैट काइंड ऑफ ओके विच ट्रैप्ड मी ओके इन बिगर प्रॉब्लम्स देन टू गेट रिड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ओके आई कैन अपोलोजाइज टू एनी वन फॉर माई मिस्टेक्स, अदरवाइज फॉर सिलियस्ट मिस्टेक आई नेवर ट्राई टू ओके अपोलोजाइज टू एनी वन। ओके आई इट्स जनरली गोज ऑन, और ये होती है एज अ ह्यूमन बींग, एवरी ह्यूमन बॉडी मेक्स मिस्टेक्स, ओके बींग ह्यूमन बींग एवरीबडी मेक मिस्टेक्स, सो इफ ऑन मिस्टेक्स वी बिगन टू ओके अपोलोजाइज देन ओके वी विल बिकम सो, तो हम ऐसा ही बन जाएंगे, या माफ करना, सॉरी सॉरी, ओके दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ, यस बट इफ वी मेक द मिस्टेक्स ऑन विच वी शुड ओके अपोलोजाइज टू एनी वन देन यस आई कैन। नेक्स्ट, कैन यू पुट योर लाइफ इन डेंजर? क्या आप आपकी लाइफ को खतरे में पुट यानी डालना डाल सकते हैं? तो कैन यू पुट योर लाइफ, क्या आप आपका जीवन खतरे में डाल सकते हैं? ओके नो बडी थिंक सो, कोई नहीं सोचता ऐसा। ओके एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट रिड फ्रॉम द डेंजर, ओके एवरीबडी हैव द फियर ऑफ डेंजर, सो दे ऑलवेज कीप्स देम अवे फ्रॉम द डेंजर। ओके सो हुबडी विल वॉन्ट्स, कौन चाहेगा टू गेट हिम ओके या टू पुट हिम सेल्फ इन डेंजर? सॉरी आई कैन नॉट पुट माई सेल्फ ओके इन डेंजर, नेवर। नेक्स्ट, कैन यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट डाउरी? डाउरी का मीन्स होता है दहेज, जो हम शादियों में ऐसे दहेज दिया जाता है, दहेज ओके और रेज का मतलब होता है उठाना या बढ़ाना, उठाना या बढ़ाना। ओके आवाज वॉइस मीन्स, तो क्या आप उठा सकते हैं योर वॉइस, आपकी आवाज अगेंस्ट डाउरी सिस्टम? ओके अब इसका आंसर हम थोड़ा बहुत साइंटिफिकली दे सकते हैं, क्लियर? पहले तो यस नो में तो हम दे ही सकते हैं, क्योंकि आज कौन है जो दहेज नहीं लेता, शादी में दहेज आता कोई मना नहीं करता, वो है कि हाँ आप अगर किसी लिटरेट पीपल से पूछेंगे कि दहेज लेना अच्छा है तो ही विल से या नो इट इज नॉट गुड, ही विल डिनाई,
बट इफ यू ओके गो इन हिज और हर मैरिज देन यू विल फाइंड दैट क्या कि जस्ट बिसाइड हिम देर इज अ पाइल ऑफ डाउरी, दहेज का एक झुंड वो लगा रहता है. तो साइंटिफिकली ओके हम इस पर वो दे सकते हैं बैन. ओके अब कैसे देना है, यस नो में एक सिंपल सा है कि वेन इंडियन वुमन्स गोज अगेंस्ट एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट डाउरी सिस्टम एंड डोमेस्टिक वायलेंस देन गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट अगेंस्ट डाउरी सिस्टम एंड गवर्नमेंट इंस्ट्रिक्टली सेड दैट कि नोबडी कैन डिमांड फॉर एनी डाउरी ओके टू फॉर एनी ओकेशन या फॉर मैरिजेस एंड इन प्लेस ऑफ समथिंग. ओके सो इट इज अ क्राइम ओके फॉर डिमांड ऑफ डाउरी इट इज अ क्राइम इन ओके इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट एंड ओके आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली या डिस्टिंग्विश्ड दिस एक्ट. ओके एंड सो इफ एनीबडी डिमांड फॉर द डाउरी डाउरी देन यू कैन गो अगेंस्ट हिम इन कोर्ट एनी कोर्ट. ओके एंड यू कैन बेग फॉर द जस्टिस बिफोर द कोर्ट. क्लियर, इस तरह से भी एक साइंटिफिकली हम वो भी ओपिनियन भी रख सकते हैं. तो आपको इस तरह से बनाना है. आपको कैन का यूज करके अब देखो इन क्वेश्चन से होगा क्या, व्हाट वुड ओके मेक सम डिफरेंस इन योर स्किलिंग, क्या डिफरेंस ये लेकर आएगा. यहां पर अगर मैंने क्वेश्चन किया कुड यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर अर्लियर, क्लियर. अब सोच के देखिए कि आपको इसका आंसर कैसे देना है. आपके सामने ग्रामर के सभी पार्ट हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस के पार्ट, परफेक्ट. अब आप इसमें से सबका यूज करके सेंटेंस बनाएं. क्वेश्चन आपके पास है और आपके दिमाग में आंसर भी है कि मुझे इस पर क्या बोलना है. अब आप इसको देखें कि इसमें मेरा कौन सा ग्रामेटिकल पार्ट यूज हो रहा है. ओके ग्रामेटिकल पार्ट आई एम यूजिंग हियर. सो बिफोर आंसरिंग फर्स्ट थिंक एंड मेक योर आंसर इन योर माइंड एंड स्टार्ट मेकिंग आंसर. तो यू विल सी कि इसका आंसर एक जनरली आप सिंपल प्रेजेंट अगर हम यस नो में देंगे तो आंसर यही खत्म हो गया, कैन कुड का कैन कुड पे ही खत्म हो जाएगा. लेकिन हम अलग हटके आंसर देंगे तो हम कभी देखेंगे कि हमारा आंसर पास्ट में जा रहा है, कभी देखेंगे फ्यूचर में जा रहा है. तो हम हमारी जो स्किल डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो थोड़ी वाइडर हो जाएगी और उससे हम जल्दी सीखेंगे, है ना. तो सीखने के लिए हमें ऐसे आंसर्स बनाना है और क्वेश्चन आपके सामने है ही. ओके तो आप इन क्वेश्चंस का यूज करें, पहले क्वेश्चन लें ओके फिर उसका आंसर दें, पॉज करें वीडियो को, उसके बाद अब आपका आंसर खत्म हो, व्हेन यू फिनिश योर फर्स्ट आंसर ओके गोज ऑन नेक्स्ट वीडियो एंड आफ्टर रीडिंग दिस ट्राई टू मेक. ओके अब मैं आपको इनके आंसर्स भी देता हूँ. तो आंसर का मतलब कि जनरली बात करते हुए आपका लिए सही हो कि आपके सामने कोई खड़ा हुआ है, समबडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही इज आस्किंग क्वेश्चंस टू यू, नाउ योर टर्न फॉर रिप्लाई. तो देन इन केस ऑफ रिप्लाइंग ओके एज अ टीचर इट्स माय ड्यूटी, आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू एंड यू हैव टू रिप्लाई टू मी. ओके इसलिए यहां पर मैं थोड़े से आपको वो भी देना हिंट दे रहा हूं कि आपको खुद आंसर कैसे देना है. कैन कुड के आंसर यस नो की बजाय आप अलग अलग तरीके से दें और ये रोज डेली दें, इससे आपका बोलने का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, आपकी वोकैब लेवल इंक्रीज होगी और साथ में ही आपकी स्पीड डेवलप होगी इंग्लिश में. क्लियर, और जब इंग्लिश डेवलप होगी तो आपकी इंग्लिश के ऊपर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी. क्लियर, जनरली ये देखें और एक चीज से बचे कि यस रियली इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश देन ओके ट्राई टू कीप अवे यूर सेल्फ फ्रॉम हिंदी ओके वाइल डिस्कसिंग वाइल रीडिंग एंड इफ समवन इज ट्राइंग टू टीच यू ओके इन केस ऑफ वहां भी, क्योंकि मान लो हिंदी आपकी अच्छी है और मैं हिंदी में ही सब समझ रहा हूँ समझा रहा हूँ तो आप इंग्लिश नहीं समझ रहे, आप हिंदी ही समझ रहे हैं. ओके इंग्लिश तो फिर भी वैसी की वैसी ही है, इसलिए इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्राई करें. क्लियर, यू शुड ट्राई ओके इंग्लिश इन इंग्लिश सो दैट योर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओके रेज और बिकम वाइडर. क्लियर, तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस एक नए वीडियो के साथ विथ न्यू वीडियो ओके विथ न्यू क्वेश्चंस ओके आई विल अपीयर अगेन ओके विथ न्यू वीडियो. टिल देन थैंक यू.